बिखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 23/11/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कहना माना कोई एक अलग महान हस्ती है। बाबा कहने से हम संबंध और स्नेह में आ जाते हैं। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वो सोचते हैं, क्या सोचते होंगे, कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। और तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। क्यों? कारण क्या? क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी, मरने का तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य दो बातें। नंबर एक, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। आशा करती हूँ सभी अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते होंगे, और जो करते हैं तो वो आदत को और पक्की करें। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत बनानी है, इसको तो पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बेहद के बाप से सच्चा लव रखना है, सच्चा प्रेम करना है, श्री मत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। वरदान है आज का, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित मुख भव। बाबा कहते सदा हर्षित मुख रहो, फिर बाबा कहते हर्षित चित्त भी भव। हर्षित मुख भव, हर्षित चित्त भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचते हैं। पवित्रता की रॉयल्टी को रियल्टी क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि रियल में हम आत्मा सत्व प्रधान है। जब हम वतन से नीचे आते हैं तो उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। किसकी? जो पवित्रता की रॉयल्टी की रियल्टी में है, उनके अंदर एक एक बाहर दूसरा नहीं होगा। माना अंदर एक बात हो और बाहर दूसरी बात हो, ये नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब उसका सत्य होगा। जो अंदर वृत्ति में होगी बात, वही बात उनकी दृष्टि में आएगी, वही बात उनके बोल में आएगी, वही बात उनकी चलन में होगी। ऐसी रियल आत्माएं चित्त से भी, और फिर बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख उनका अविनाशी होगा। तो ये सब चेक करेंगे हम स्वयं को, कितना हमारे नैन चैन चलन हर्षित चित्त हर्षित मुख है। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा है? बाबा कहते हैं संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।